सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। यूपी में गणेश उत्सव को लेकर लगातार तैयारी जारी है। माई फ्रेंड गणेशा कुछ दिनों के लिए सबके घरों में विराजमान होंगे, जिसकी झलक बाजारों में साफ तौर पर देखने को मिल रही है। देखिए गणेश चतुर्थी पर हमारी स्पेशल रिपोर्ट। घर में पधारो गजानन जी, पापा के आगमन की तैयारी, बाजारों में उमड़ी भीड़, सजेंगे पंडाल, हर तरफ रहेगी धूम। कोरोना काल के बाद पहली बार देश में गणेश चतुर्थी का पर्व पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस साल गणेश चतुर्थी का पर्व 31 अगस्त को मनाया जाएगा। इस दिन भगवान गणेश की प्रतिमा को लोग अपने अपने घरों में स्थापित करते हैं। इसके लिए अभी से ही लोग बाजार में विघ्नहर्ता की तरह तरह की प्रतिमाएं खरीद रहे हैं। वैसे तो ये पर्व महाराष्ट्र में धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इस बार यूपी के कई शहरों में गणेश चतुर्थी की धूम है। बाजारों में भगवान गणेश की तरह तरह की मूर्तियां बिक रही हैं, जिसे दूर दराज के लोग मूर्तियों की दुकान सजाए हुए हैं। इन कारीगरों के पास 1500 से लेकर 50,000 तक की भगवान गणेश की मूर्तियां हैं। लोग भी खरीदने बहुत उत्साह के साथ जा रहे हैं। गणेश चतुर्थी पर गोरखपुर के हर मोहल्ले में बप्पा विराजते हैं, जिसको लेकर बाजारों में काफी रौनक देखने को मिल रही है। कोई छोटी तो कोई बड़ी मूर्तियों को खरीद कर घर ले जा रहे हैं। इसके अलावा मंदिरों को भी सजाया जा रहा है। पूरी तरह से बप्पा के स्वागत की तैयारी की जा रही है। पार्वती और शिव शंकर के पुत्र गणेश प्रथम पूज्य माने जाते हैं। इनका सनातनी धर्म में काफ़ी महत्व होता है। माना जाता है कि संकट के हारक हैं, और गणेश की बैठी हुई मूर्ति घरों में स्थापित की जाती है, उसकी पूजा की जाती है। यहाँ हम खड़े हुए हैं, समिति है जिस जहाँ ये सजा हुआ है पंडाल, इनसे बात करने के बाद करेंगे। अध्यक्ष हैं समिति के, क्या नाम पड़ेगा सर आपका? मनोज अग्रहरी। मनोज जी, गणेश चतुर्थी को आप लोग यहाँ सजा रहे हैं, मनाया जा रहा है, तो क्या महत्व है और किस तरीके की इस बार झांकी देखने को मिलेगी? जी देखिए, महत्व तो ये बहुत बड़ा है हम लोग का। सिद्धि विनायक जो गणपति देवता हम लोग होते हैं, प्रथम स्थान इनको पूजन कर दिया जाता है। तो ऐसे भगवान का हम लोग को आराध्य श्री गजानन जी महाराज का हम लोग स्थापना करते हैं, और हम लोग को ये स्थापना करते हुए 2003 से स्टार्ट करते हुए आज आपका 2022 आ गया, ये तो 20वां वर्ष हम लोग का इस साल चल रहा है। और 2 साल कोविड के नाते हम लोगों ने एक प्रोग्राम नॉर्मल किया घर में ही, हमारे संयोजक है पंकज गुप्ता, उनके आवास पर किया गया, और 10 दिन तक कार्यक्रम सेम हुआ, लेकिन प्रोटोकॉल को देखते हुए हम लोग उसको संक्षिप्त रूप में उसको किया गया। और इस साल जैसे कि जान रहे हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री 75वां आज़ादी महोत्सव का कार्यक्रम पूरे देश में चला है, वही सब देखते हुए हम लोगों ने तिरंगे का रूप पूरे पंडाल को और पूरे सजावट सज्जा को देखते हुए तिरंगे का कार्यक्रम यहाँ पर किया जा रहा है, और एक बहुत ही अच्छा रूप ध्यान देने का प्रयास किया जा रहा है। जी बिल्कुल, अमृत महोत्सव के रूप में मनाया गया 15 अगस्त, उसी के साथ सांकेतिक रूप से सबको सद्भावना का स्वरूप देने के लिए इस पंडाल को भी तिरंगे के रूप में सजाया जा रहा है, और काफ़ी पुराना, इसको कम से कम 20 वर्ष हो चुके हैं। और आपको बता दें, गणपति पूजा का जो महत्व है वो बहुत ज्यादा है, और ये गोरखपुर का प्रथम ऐसा पंडाल है। वहीं सुल्तानपुर में गणेश चतुर्थी को लेकर पहले से ही नगर में गणपति बप्पा की प्रतिमाओं को कलाकार अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। वहीं कलकत्ता शहर से 4 दशकों से आने वाले कलाकार भी समितियों से मूर्ति का अच्छा ऑर्डर मिलने से उत्साहित है। गणेश उत्सव को लेकर तमाम तरीके से तैयारियां हो रही है, जिस तरह जो है तैयारियां हो रही है, चाहे लोगों का कहना है घर से लेकर बाहरों तक मूर्ति बैठाई जाती हैं। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, हम इनसे भी बात करते हैं किस तरह की तैयारियाँ इस बार हो रही है गणेश उत्सव को लेकर। क्या नाम है आपका? परिमल सिंह। आज गणेश उत्सव को लेकर किस तरह की तैयारी हो रही है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? गणेश उत्सव 31 तारीख शुरुआत हो रही है, 11 तक का रहेगा, और सुल्तानपुर में अभी तक इसका जो स्थान था काफ़ी कम लोग उसको मनाते थे, तो हम लोग इसको एक बड़े लेवल पर ले जाके पहली बार यहाँ वीकेंड मॉल सुल्तान डीएम कोटी के सामने इसको आयोजित किया जा रहा है, और 1.5 दिन का गणपति है ये,
जिसको हम लोग 12 फुट की हमारी मूर्ति है जो हम लोग कल लेकर आएंगे और 31 तारीख को उसको खोलेंगे। सुबह 7 से लेकर 11 बजे तक यह आयोजन रहेगा। सभी सुल्तानपुर वासियों सबके लिए यहाँ आए, दर्शन करें, प्रसाद लें, इस आयोजन रहेगा अच्छा। इसमें इस बार आप मूर्ति स्थापित कर रहे हैं, मूर्ति की हाइट क्या है और किस तरह की तैयारियों को लेकर चल रहे हैं आप? 12 फीट की मूर्ति है हमारी और तैयारी इस हिसाब से है कि हमारे जो पुरोहित जी हैं वो अयोध्या से आ रहे हैं, करीबन हम 11 पंडित जी हैं जो इसकी पूजा करेंगे। डमरू वाले हैं जो हमारे साथ रहेंगे विसर्जन के समय, जो बनारस से आ रहे हैं। गंगा आरती करेंगे, जो दो समय गंगा आरती होगी, गंगा आरती बनारस से लोग आ रहे हैं। ये आयोजन इसमें मार्केटों में लेकर क्या खास रौनक लग रही है गणेश उत्सव के? काफ़ी दिनों से कोरोना के कारण ये सब नहीं हो पाया, 2 सालों से, तो मार्केट में अब ये है कि लोग चाहते हैं कुछ नया हो, कुछ जोश आए जिससे लोग भी थोड़ा सा माहौल बदले, तो उसके लिए इस गणेश उत्सव की हर पूजा की शुरुआत श्री गणेशा में नमा होती है, तो सबसे अच्छा रहे कि गणेश भगवान की शुरुआत हो और मार्केट में उत्साह इससे आने का मुझे लग रहा है कारण होगा। इससे जिस तरह का लोगों को कहना हो रहा है मार्केट में जिस तरह रौनक गणेश उत्सव को लेकर आया है, कोरोना के बाद गणेश उत्सव का माहौल को देखने में वाकई बेहद खुशी नजर आ रही है। घर से लेकर बाहर तक, बाहर से लेकर घर तक पंडालों में भी विराजमान होंगे गणेश की प्रतिमा। शहर के लाल डिग्गी कॉन्वेंट के सामने दरियापुरवा राहुल चौराहे के पास प्रतिमाओं को गढ़ने का दौर जारी है, लेकिन इस वर्ष हालत सामान्य होने पर युवा गणेश समितियों में खास उत्साह देखा जा रहा है। दूसरी ओर झलक कानपुर के निराला नगर में देखी जा रही है, जहां मूर्ति बाजार में सैकड़ों प्रकार के भगवान गणेश की प्रतिमाओं को कलाकारों ने अपनी कला से उकेरा है। कहने को देखा जाए तो भगवान गणेश की जो है पहले पूजा की जाती है और किसी भी पूजा करने से पहले भगवान गणेश का नाम पहले लिया जाता है, और देखा जाए कहीं ना कहीं गणेश चतुर्थी का जो त्यौहार आ गया है और उसकी देखते हुए कानपुर में जो है जो देखा जाए तो पूरी तरीके से मूर्तियां जो हैं वो कई तरीके से बनी भगवान गणेश की, किसी अलग अलग अनेक रूप से बनी हुई है, पर देखा जाए कहीं ना कहीं जो भगवान जो अब की नया ट्रेंड आया हुआ है वो ट्रेंड जो अयोध्या का राम मंदिर है उसके ढांचे पे जो है भगवान गणेश को बैठाला गया है। हम हिमांशु से कहना चाहेंगे कि दिखाएं किस तरीके से भगवान गणेश को जो है वो राम मंदिर के जो स्ट्रक्चर पे बैठाला गया है, और इस मूर्ति की जो है पूरी डिमांड जो है मार्केट में बहुत मांगी जा रही है, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये भगवान जो श्री कृष्ण का जो आसपास के जो इलाके हैं जैसे बर्रा का विश्व बैंक जे ब्लॉक सेक्टर पड़ता है वहाँ पे पूरी तरीके से जो है भव्य पंडाल जो है पूरी तरीके से सजाया जा चुका है, और उसके बाद कहीं ना कहीं देखा जाए तो पूरी तैयारी हो गई, झूला है देखा जाए और भी सारी तरीके तो देखा जाए तो मेले की पूरी तैयारी हो गई है, और भगवान गणेश का जो जन्म है वो बड़े प्यार से मनाया गया। हमारे साथ जो इस दुकान के मूर्तिकार हैं वो बताएंगे आपको कि किस तरीके से जो मूर्ति बनाते हैं और किस मूर्ति की ज़्यादा डिमांड इस बार मार्केट में है। क्या नाम है आपका? अजय सिंह। अजय जी ये बताइए किस तरीके की मूर्ति जो है इस बार जो अनोखी मूर्ति जो है जो कल्चर में आ रही है? अयोध्या के राम भगवान की मूर्ति ज़्यादा कल्चर पे आ रही है, वही हम लोगों ने ज़्यादा डिमांड भी है, गहक भी ज़्यादा वही मांग है, इसलिए बिक्री भी इसी की है, तो इसीलिए ज़्यादा उसको उत्साह से बना रहे हैं इसी चीज़ को। देखा जाए कहीं ना कहीं पूरी तरीके से कहावत कही गई थी जो बीजेपी की सरकार थी उसने बोला था रामलला जब हम आएंगे तो मंदिर वहीं बनाएंगे, उसको लेकर पूरा ट्रेंड जो है ये आज जो गणेश मूर्ति जो बन रही है पूरा ट्रेंड उसी को लेकर के बनाया गया है। कैमरा पर्सन हिमांशु श्रीवास्तव के साथ उपेंद्र अस्थाना, कानपुर। आपको बता दें कि देश भर में आगामी 31 अगस्त को गणेश चतुर्थी बड़ी धूमधाम से मनाई जाएगी। इस कड़ी में कानपुर के मूर्ति बाजार में मूर्ति कलाकारों ने हजारों की संख्या में भगवान गणेश जी की प्रतिमाओं को बनाया, जिन्हें लेने के लिए अब मूर्ति बाजार में लोग भी लेने पहुंच रहे हैं। गणपति के भक्तों में गणेश पूजा को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। वहीं मूर्ति कलाकारों की माने तो उनका कहना है कि बीते 2 सालों से कोरोना संक्रमण के प्रकोप की वजह से गणेश महोत्सव के आयोजन नहीं हो सके थे। वहीं कानपुर के बर्रा क्षेत्र बर्रा विश्व बैंक में दक्षिण विशाल गणेश महोत्सव की भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। वहीं वाटरप्रूफ तंबू और बच्चों के मनोरंजन के लिए झूले भी लगाए गए हैं। वही गणपति की मूर्ति की बिक्री निराला नगर मैदान गोल चौराहा समेत कई इलाकों में भी शुरू हो गई है, जहां बरसात को देखते हुए वाटरप्रूफ पंडाल बनाए गए हैं। यहां मूर्तियों को रंगों के जरिए जीवंत रूप प्रदान किया जा रहा है।
गोल्डन पाउडर से आभूषण बनाए गए हैं। वहीं गाजियाबाद के साहिबाबाद क्षेत्र में पिछले कई सालों से मूर्तियां बनाई जाती हैं। इस बार बाजारों में काफी रौनक देखने को मिली। गणेश चतुर्थी को लेकर मार्केट में किस तरह का उत्साह है लोगों के अंदर में, और किस तरह से मार्केट बाजारों में लोगों की प्रतिमा आप देख सकते हैं। हम इस वक्त गाजियाबाद में मौजूद हैं और ये गाजियाबाद में किस तरह से गणेश जी को किस तरह सजाया जा रहा है। लगातार यहाँ पर छोटी से लेके बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनाई गई हैं। हालांकि रंग बिरंगी मूर्तियाँ हैं, किसी के ऊपर में बड़े बड़े सितारे लगाए गए हैं, किसी किसी मूर्तियों को बड़े अच्छे से सजाया गया है। हालांकि सबके प्राइस अलग अलग हैं और लोग यहाँ पर लगातार आ रहे हैं, मूर्तियाँ खरीद रहे हैं, क्योंकि गणेश चतुर्थी को लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह है। हमारे साथ यहाँ पर देखिए कुछ लोग आए हैं, यहाँ पर खरीदारी करने आए हैं, जो कि गणेश चतुर्थी को लेकर काफ़ी उत्साह हैं। मैम, क्या नाम होगा आपका? तृप्ति। तृप्ति जी, ये बताइए कि पिछले दो साल से कोरोना चल रहा था, कोविड में कोई लोग त्यौहार नहीं मना पा रहे थे, इस बार काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है, मार्केट काफ़ी सजी लिख रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम तो पूरा प्रॉपर 12 ईयर से हम लोग कर रहे हैं, हमने दो साल भी किया था, अभी भी कर रहे हैं और बस ढूंढ ही रहे हैं, कोई अच्छे से मिल जाए तो देखते हैं। तो अब इस बार किस तरह से कौन सी मूर्ति ले जाना पसंद करेंगे, क्योंकि बहुत सारी मूर्तियां हैं बाजार के अंदर में, किस तरह? वही नहीं समझ में आ रहा है, बहुत सारी हैं तो बस समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी लें, बहुत डिफरेंट है, तो अब देखते हैं जो पसंद आ जाती है वही लेंगे और वही लेके जाएंगे। देखिए, लोगों की पसंद पे डिपेंड करता है, लोग अपनी अपनी पसंद की मूर्तियां देख रहे हैं कि बाजार में किस तरह से उनके पसंद की मूर्ति मिल जाए। हालांकि कोविड जिस तरह से गया है, अब लोग काफ़ी उत्साह हैं हर एक त्यौहार को लेकर। देख, हमारे साथ यहां पर जो बिक्रे हुआ वो मौजूद हैं, हम इनसे बातचीत करें। लोग बिक्रे हुआ कब से? तीन महीने हो गए। तीन महीने से मूर्तियाँ बना रहे हैं, और लगभग कितना खर्चा आ जाता है एक मूर्ति में? इसमें कम से कम 1.5 लाख हो जाता है। अब तक अपनी मूर्तियाँ और मूर्ति बनी है, सिर्फ खाली गणेश की मूर्ति है? वहाँ माता की बनी है, सरस्वती की बनी है, आविष्कर्मा की मूर्ति के 10,000 करके, और जो छोटी प्राइस क्या है उनका? 100 रुपये 1,000 2,000 जैसे मूर्ति होता है उनका। अभी जो मूर्तियाँ बनाई जाती है, क्या चीज़ बनाई किया जाता है, तरह से मूर्ति को डिजाइन किया जाता है, क्या सब कलर और पीओपी बनाते हैं, मिट्टी बनती है। जैसा कि बता रहे हैं लोग कि मिट्टी और पीओपी से बनाकर इसको पूरा किया जाता है मूर्तियों को, आप तस्वीर देख सकते हैं। देखिए, ये बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हैं, किस तरह से नंदी पर सवार है गणेश जी, और इसके आगे भी आपको देख सकते हैं और छोटी मूर्तियाँ हैं। हालांकि मूर्तियां काफ़ी अच्छी थी, ये पूरी लाइन जो है यहां मूर्तियों से सजी हुई है। हालांकि ये एक मार्केट, बड़ी मार्केट है, जहां पर सभी त्यौहारों को लेकर यहां मूर्तियां बनती हैं, जब त्यौहार जिस तरह से जो भी त्यौहार आता है। लेकिन इस समय पर गणेश चतुर्थी आने वाली है, तो गणेश चतुर्थी को लेकर खासा उत्साह है लोगों के अंदर में। लोग गणेश चतुर्थी को लेकर खास खुश नजर आ रहे हैं। इस बार एक अलग तरह से मूर्ति को बनाया जा रहा है, जिसमें की मिट्टी और पीओपी से कारीगरी की जा रही है। ये बाजारों की रौनक से ही मालूम होता है कि कितनी बेसब्री से गजानंद जी का इंतजार किया जा रहा है, और बिक्री होने से कलाकारों में भी काफी खुशी देखने को मिल रही है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच